स्टार प्लस के जाने माने शो अनुपमा में फिलहाल काफी कुछ दिलचस्प चल रहा है। जहां एक तरफ डिम्पी और टीटू की शादियों की तैयारियों में सब बिजी हैं, तो वहीं दूसरी ओर वनराज कुछ भी करके टीटू की शादी जुड़वाना चाहता है। अनुपमा भी पूरी कोशिश में लगी है कि कैसे भी करके वो वनराज का ये प्लान फेल कर दे। वहीं अब आपको जल्द शो में यह बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। पूरा शाहनिवास शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। अनुज और आद्या भी अमेरिका से जल्द शाह हाउस शादी में शिद्दत देने के लिए आएंगे। और सभी की प्यारी देविका भी वापस आ रही हैं, जो लीला बा को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगी। तो वहीं पूरे शाह हाउस में देविका की वजह से सभी खुशी से हो जाएंगे। एक अनजान लड़की का अनुपमा को फ़ोन आएगा कि वो टीटू के बारे में उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन उसके लिए अनुपमा को उसकी लोकेशन पर जाना होगा। ये सब फ़ोन पर देविका और अनुपमा साथ में सुन लेंगे। देविका अनुपमा को यहाँ जाने के लिए मना करेगी और कहेगी ये कोई प्रैंक है, लेकिन अनुपमा कहेगी कि मैं अब डिम्पी की शादी के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और इसलिए हम इसे टाल नहीं सकते। तो वहीं देविका और अनुपमा बेसबॉल बैट और पेपर स्प्रे लेकर गाड़ी में लोकेशन पर जाएंगी, लेकिन वहाँ पर आधे घंटे इंतज़ार के बाद भी कोई नहीं दिखेगा। लेकिन जंगल में से एक सुनसान जगह पर एक आदमी आकर गाड़ी पर गिर जाएगा और चिल्लाने लगेगा। इससे अनुपमा और देविका डर जाएंगी, लेकिन देविका उसे पीटने के लिए बाहर जाने लगेगी। तो अनुपमा उसे ये कहकर रोक देगी कि क्या पता बाहर पूरी गैंग हो। ये सब सोचकर देविका गाड़ी चलाने की कोशिश करेगी, लेकिन गाड़ी देर से चालू होगी और बचकर वो दोनों वहाँ से उस लड़की के बिना मिले ही वापस चले जाएंगे। अगले दिन डिम्पी की मेहंदी के लिए सभी बहुत ही सुंदर ग्रीन आउटफिट्स में तैयार हो जाएंगे। वहीं देविका और अनुपमा भी थीम के चलते वैसे ही तैयार होकर आएंगे। देविका के आने से सब खुश हो जाएंगे, लेकिन बा को थोड़ी दिक्कत होगी। देविका आते ही बा की टांग खींचने लगेगी। अनुपमा इस टेंशन में रहेगी कि वनराज और इस लड़की का टीटू से क्या कनेक्शन है। आगे की कहानी के लिए देखते रहिए अनुपमा, और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।